हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर जंक्शन पर। और अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और जनपदों की जो जिला आवंटन कट ऑफ मेरिट है वो कितनी जा सकती है, कितनी मेरिट पर आपको अपनी चॉइस का जिला मिल सकता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मंडल बरेली, अयोध्या और गोंडा के सभी जिलों की जिला आवंटन कट ऑफ मेरिट कितनी रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरेली मंडल के लिए। बरेली मंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी तो ठीक ठाक है, आपने अब तक देख भी ली होगी कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। इस मंडल में चार जिले आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। अगर कैंडिडेट्स की बात करेंगे, कितने कैंडिडेट इस मंडल में जो जिला आवंटन के लिए सीटें हैं उन पर फाइट करेंगे, तो 6727 कैंडिडेट तो इसी मंडल के हैं जो लिखित परीक्षा में पास हो सकते हैं। इतनी संख्या इसी मंडल के कैंडिडेट की रह सकती है जो लिखित परीक्षा में पास हुए हैं। इनके अलावा चलिए नक्शे पर इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट और यहाँ पर जिला आवंटन के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना है वेस्ट यूपी के ऐसे जिलों की जहाँ पर सीटों की संख्या कम है, वहाँ के कैंडिडेट यहाँ पर भी आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं उनके। इसके साथ ही यहाँ पर जलौन वगैरह के साइड के लिए और जिला आवंटन के लिए भी वो फाइट कर सकते हैं। तो चलिए अगर एक संख्या देखें कैंडिडेट्स की इस हिसाब से तो वो बन जाती है 6727 तो यहीं के हैं, प्लस 2000 कैंडिडेट आ सकते हैं वेस्ट यूपी के उन जिलों से जहाँ पर सीटों की संख्या कम है, जैसे कि मेरठ मंडल के, सहारनपुर मंडल के या फिर मुरादाबाद मंडल के। इनके साथ ही 2000 कैंडिडेट यहाँ पर हो सकते हैं झांसी, जलौन एटसेट्रा इधर की साइड के। तो कुल कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर हो जाती है 10,727 जो बरेली मंडल के सीटों के सापेक्ष यहाँ पर फाइट करेंगे। सीटों की संख्या 5,640। इस हिसाब से यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है अनरिजर्व के लिए 70+, ओबीसी के लिए 66+, एससी के लिए 59+ और एसटी के सभी कैंडिडेट। बदायूं 2100 सीटें हैं तो वहाँ पर कट ऑफ बनती है अनरिजर्व के लिए 68+ रह सकती है, ओबीसी के लिए 64+, एससी के लिए 58+ और एसटी के सभी कैंडिडेट। शाहजहांपुर 1,450 सीटें हैं, अनरिजर्व के लिए कट ऑफ रह सकती है 69+, ओबीसी के लिए 65+, एससी के लिए 59+ और एसटी के लिए सभी कैंडिडेट। पीलीभीत में इस मंडल में सबसे कम सीटें हैं, 870 हैं, तो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ रह सकती है 70+, ओबीसी के लिए 67+, एससी के लिए 60+ और एसटी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अयोध्या मंडल की। तो यहाँ की भी वैकेंसी तो आपने देखी ली होगी। कैंडिडेट्स की बात करें कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर पास हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर रह सकती है 9,683 के आसपास। नक्शे पर अगर देखें यहाँ पर तो कुछ कैंडिडेट लखनऊ मंडल की साइड से यहाँ पर आ सकते हैं जहाँ पर सीटों की संख्या कम है। जिन कैंडिडेट्स का वहाँ पर नहीं होगा तो वो लोग यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड या थर्ड चॉइस के रूप में वो इन जिलों को भी डाल सकते हैं। प्रयागराज मंडल के ऐसे जिले जहाँ पर सीटों की संख्या कम है या ऐसे कैंडिडेट जिनका वहाँ पर नहीं होगा वो लोग भी यहाँ पर जिला आवंटन के लिए आ सकते हैं। प्लस लखनऊ मंडल के वो सभी कैंडिडेट्स जिनका वहाँ पर ना हो वो भी यहाँ पर अपने सेकंड या थर्ड चॉइस के रूप में इन जिलों को डाल सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर हो जाती है 1000 कैंडिडेट लखनऊ के अगर लगाएं लखनऊ मंडल के आसपास के, तो 9,683 तो यहीं के हैं, प्लस 1000 हो जाते हैं लखनऊ, अमेठी और रायबरेली के आसपास के, प्लस 1000 कैंडिडेट ही अन्य ज़िलों से आ सकते हैं जहां पर सीटों की संख्या कम है। तो इस हिसाब से कैंडिडेट की संख्या हो जाती है यहां पर 11,683 के आसपास। सीटों की संख्या है 4,420। इसके अकॉर्डिंग, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ रह सकती है अयोध्या 70+, ओबीसी के लिए 66+, एससी के लिए 59+ और एसटी के सभी कैंडिडेट। सुल्तानपुर 1,570 सीटें हैं तो अनरिजर्व के लिए रह सकती है 67+, ओबीसी के लिए 63+, एससी के 57+, एसटी के सभी। बाराबंकी 1,310 सीटें हैं, अनरिजर्व के लिए 68+, ओबीसी के लिए 64+, एससी के लिए 57+ और एसटी के सभी कैंडिडेट। अंबेडकर नगर 660 सीटें हैं तो अनरिजर्व के लिए 69+, ओबीसी के लिए 66+, एससी के लिए 60+ और एसटी के सभी कैंडिडेट यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। गोंडा मंडल एक ऐसा मंडल है जहां पर कैंडिडेट की संख्या जो है वो रह सकती है 3,014 के आसपास, लेकिन वैकेंसी जो है वो काफी ज्यादा है।
अगर गोंडा की खुद की बात करें, गोंडा जिले की, तो वहाँ पर 1620 वैकेंसी हैं, बलरामपुर में 440, बहराइच में 1060 और श्रेवस्ती में 280। अगर यहाँ पर नक्शे पर भी देखें हम, तो इसमें तो सीटें ठीक ठाक हैं ही, साथ ही आसपास में भी इसके खूब भरपूर सीटें हैं, तो आसपास से भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर इतना नहीं आएगा। लेकिन ईस्ट यूपी के ऐसे कैंडिडेट जिनकी मेरिट कम है, वो लोग यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। इनके साथ ही वेस्ट यूपी के और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद जहाँ पर सीटों की संख्या काफ़ी कम है, वहाँ के ऐसे कैंडिडेट जिनकी मेरिट भी कम है, वो लोग इन सीटों पर सिलेक्शन के लिए फाइट कर सकते हैं और वो लोग इन पर सेलेक्ट ज़्यादातर हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या की बात करें ज़िला आवंटन के लिए, तो वो हो सकती है 3014 तो यहीं के हैं, प्लस 1000 कैंडिडेट लखनऊ, प्रयागराज एटसेट्रा के आ सकते हैं जिनका वहाँ पर नहीं होगा, प्लस 1000 कैंडिडेट ही वेस्ट यूपी से यहाँ पर आ सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो इस हिसाब से टोटल कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर हो सकती है 5014 के आसपास और वैकेंसी है यहाँ पर 3400। तो 3400 पदों के सापेक्ष 5014 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर फाइट करेंगे सिलेक्शन के लिए। मेरिट की बात करें तो गोंडा 1620 सीटें हैं, अनरिजर्व के लिए रह सकती है 67+, ओबीसी के लिए 63+, एससी के लिए 56+ और एसटी के लिए सभी कैंडिडेट। बलरामपुर 440 सीटें हैं, अनरिजर्व के लिए 69+, ओबीसी के लिए 65+, एससी के लिए 58+ और एसटी के लिए सभी कैंडिडेट। बहराइच 1060 सीटें हैं, तो अनरिजर्व के लिए 68+, ओबीसी के लिए 64+, एससी के लिए 57+ और एसटी के सभी कैंडिडेट। श्रावस्ती 280 सीटें हैं, इस मंडल में सबसे कम है, तो अनरिजर्व के लिए रह सकती है मेरिट सबसे हाई लगभग 69+, ओबीसी के लिए 64+, एससी के लिए 58+ और एसटी के सभी कैंडिडेट यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद है ये गणित आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो होगी काउंसलिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।